हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं जेके सर जीत। आपको आज पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी सिलेबस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला होता है, ठीक है। जो हम लोगों को इस सिलेबस के माध्यम से पढ़ना होगा, हम आपको कुछ सिलेबस बताना चाहेंगे, उसके बाद फिर एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो सिलेबस में जैसा कि हम लोगों का कुछ स्टूडेंट का कहना होता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमको बेसिक से ही पढ़ाइए, हमको कुछ नहीं आता है। तो हमारा ये सिर्फ कहना है, हम उसको जीरो लेवल बोलते हैं। जीरो लेवल यानी कि बेसिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी लोग सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़ना होगा, जो कि कई लोगों को ए बी सी डी से शुरुआत करना होता है, ऐसा हम लोग को शुरू करना है। फिर जब हम पहले चैप्टर पाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला चीज़ तो टेंस और ट्रांसलेशन के माध्यम से भी समझते चलेंगे कि सबका रूल अलग अलग क्या होता है, उसका यूज क्या होता है अपने हिंदी सेंटेंसेस में। नंबर सेकंड पे आपका वर्ड पावर। ये वर्ड पावर एक ऐसा पावर है जिसके बिना हमारी अंग्रेजी या हम ऐसे कहें कोई भी भाषा अधूरा होता है। तो वर्ड पावर में हमको मिलकर क्या पढ़ना होगा, देखिए होता क्या है, हम रूट सिस्टम को ज़्यादा फोकस करेंगे। यह रूट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम लोग एक मिनट में एक या दो वर्ड को लर्न करते हैं और 40 प्लस वर्ड मीनिंग तैयार हो जाता है। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट का मानना यह होता है कि सर कि हमारा वर्ड पावर ही बहुत गड़बड़ होता है, हम लोग रटते हैं भूल जाते हैं। तो इस वर्ड पावर में रूट सिस्टम के माध्यम से हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से कुछ नए शब्दों का निर्माण करेंगे, जो कि एक मिनट में एक दो शब्द को रटना है, पढ़ना है और 30-40 वर्ड मीनिंग अपने आप याद हो जाना है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, एंटो आता है, सीनो आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस होता है, आपको पता होगा ईडीएम एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें आपको आएगा कहाँ पे, इस वर्ड पावर में, यानी कि जो चैप्टर नंबर सेकंड होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड का। जो चैप्टर नंबर थर्ड होता है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग को पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके ग्रामर का सबसे मेन पार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिना इसके कोई ग्रामर पूरा नहीं हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि सभी लोग जानते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोग का टॉपिक आज से यही शुरुआत होने वाला है। थोड़ा सा मैं सिलेबस को आगे बढ़ा के फिर मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये सारे चीज़ें आता है, जैसा आपको पता होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको नई देखने को मिला होगा, ये है आपका आर्टिकल। किसी भी बुक्स वगैरह में आप जब देखेंगे तो आर्टिकल नाम का जो चैप्टर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं होता है, लेकिन मैं इसको आपको इसी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और जब एडजेक्टिव आके स्पीच का पार्ट हो सकता है तो हम आर्टिकल को भी इसी में पढ़ेंगे। अब आपका अगला जो चैप्टर होता है चौथा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन को हम लोग दूसरे शब्दों में फिल इन द ब्लैंक भी बोलते हैं। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे ग्रामर, पूरे टेंस की वजह से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आगे है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जब तक आपको पूरा ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच और पूरे टेंस, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सारी चीज़ें जब आएगा तो सेंटेंस को हम इम्प्रूव करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या गलती है। आगे होता है आपके छठा नंबर पे, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस भी बोलते हैं, ये सारे चीज़ें प्रैक्टिस में आएगा। पी क्यू आर एस या हम लोग कभी कभी इसको पैरा जम्बल्ड के नाम से भी जानते हैं, पैरा जम्बल्ड। उसके बाद आपका होगा आठवें नंबर पे स्पॉटिंग एरर। ये जो स्पॉटिंग द एरर होता है फ्रेंड्स, ये अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिलहाल मैं ऐसे बात करूँ शॉर्टकट में फ्रेंड्स, कि जब तक आपको पूरी ग्रामर की समझ नहीं आ पाएगा एक एक टॉपिक करके, तब तक आप इन सारे चीज़ों को, ये जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं और समझते हैं। आठवें नंबर पे आपका होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव आप लोग सुने होंगे। यह आपको मैं सिर्फ दो लाइन का फार्मूला बता दूंगा, ट्रिकी बेस्ड पर होता है। एक्टिव पैसिव का जो भी 4-5 लाइन का एक क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन होंगे,
फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो आठवां नंबर का चैप्टर है और नौवां नंबर जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, जिसको हम नरेशन भी बोल सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये दोनों चैप्टर आपको एक्टिव पैसिव मात्र दो लाइन का फार्मूला होगा जिसकी वजह से आप पूरे एक्टिव पैसिव को सॉल्व कर लेंगे। इसमें मात्र 5 रूल होगा। इसको कंप्लीटली पढ़ने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। मिनट की बात छोड़ दीजिए, हर एक क्वेश्चन इसका 2 से 3 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा। ये था आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज चूंकि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो तीसरे नंबर पे है, हम लोगों को यही आज पढ़ना होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्पीच का मतलब होता है कथन, स्पीच का मतलब होता है भाषण, स्पीच का मतलब होता है संवाद। जब हम किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कोई चीज़ वार्तालाप करते हैं, कोई चीज़ बातचीत करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, जिन हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, वो सारे चीज़ें जिस माध्यम से बने होते हैं, जिस छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पीच का पार्ट, या हम ऐसे बोलें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इतने भाग में डिवाइडेड होते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम इसको 9 मान के चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वो क्या है, वो है आर्टिकल। ठीक है, तो हम 9 बोलेंगे। अब 9 वर्गों में बांटा गया है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये निम्न है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नाउन। बेसिकली हम लोग नाउन की क्लास को पढ़ते हैं, आइए आगे चल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ये सभी को पता है। यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन है, कह रहा है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन। फ्रेंड्स जरा बताइएगा, बचपन में हम और आप सभी लोग पढ़े हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, क्या ये कहना सही होगा? फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे क्या करूंगा, मैं आगे भी बताऊंगा, वो सारे डेफिनेशन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें चूंकि हम लोग उसको पढ़कर आगे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एग्जाम के सिलेबस के माध्यम से, तो हम लोग थोड़ा से चीज़ों को बदलेंगे। इसको हम लोग पढ़े हैं बचपन में, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और क्रियाकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा, ये अमित, प्रयागराज, बुक, ऑनेस्टी, इलनेस, मूवमेंट एट्सेट्रा। फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें नाउन नहीं है, बल्कि इसके नाम को हम नाउन कहते हैं, यही मेन चीज़ यहाँ पर समझना होगा। कैसे समझेंगे जरा देखिए, अर्थात लिखा है कि ब्रह्मांड के समस्त नाम क्या हैं, नाउन है। ब्रह्मांड के समस्त नाम यानी कि जो भी हम चीज़ सोच सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो सुना सकते हैं, जो चीज़ माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, अगर उस चीज़ का कोई एक नाम है तो वह नाम ही आपका नाउन कहलाएगा। एवरी नेम प्रेजेंट्स इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीज के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा नाउन के जो टाइप होते हैं उसको हम लोग मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में हम लोग ऐसे नाउन को बोलते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं। किसी भी नाउन को, पार्टिकुलर नाउन को, अगर हम उसको एक एक करके काउंट करना शुरू करें, वो चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जितना हो, अगर काउंट कर सकते हैं तो ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। ये आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। या हम ऐसे कहें कि 5ों को अगर हम शॉर्टकट में बोलें तो PCKM कह सकते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ऐसे भी हम लोग इसको रट सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो इसका जस्ट उल्टा है काउंटेबल का, यानी कि जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, ये मेनली 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा नाउन, ऐसे नाउन्स जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ डिफिनेशन इसके हैं, अभी आगे दिखाते हैं। अगला है आपका क्या, मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसका कोई फिजिकल रूप होता है, जिसका कोई वेट होता है, जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा फ्रेंड्स, गणना की दृष्टि से नाउन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। गणना की दृष्टि से नाउन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका काउंटेबल नाउन, ये वे नाउन्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, तथा सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स,
जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो काउंटेबल है वो सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित किया जा सकता है या कभी कभी प्लूरल से सिंगुलर में भी परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में है क्या, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट डिनोट्स आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर क्या पर्सन को प्लेस को या थिंग को जो डिनोट करता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के रूप में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। पर्सन में हमने देखा राम, सीता, गीता, अजीत, अमित, सुमित, राम से हम जो भी होगा उनके नाम को, ध्यान दीजिएगा उस व्यक्ति को हम लोग नाउन नहीं कहते हैं, वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा, उसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, ये सभी क्या हैं, प्लेस के नेम हैं, ये भी आपके क्या हैं, ये आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंग्स, जैसे लिखा है बाइबल, रामायण, गीता, बुक्स इत्यादि, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका डिफिनीशन लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संस्था, पार्टी, क्लब, संघ, नदी, पर्वत, खाड़ी, रेगिस्तान, ग्रंथ, अखबार, पत्रिका इत्यादि के नाम को, यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है फ्रेंड्स, इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है दीपिका या टेबल, प्रयागराज इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसको हम प्रॉपर नाउन कैसे डिनोट करेंगे। लिखा है द ताजमहल इज इन आगरा, ये सभी लोग जानते होंगे कि ताजमहल अपने आगरा में है, अंडरलाइन किया हुआ है ताजमहल को और आगरा को, यानी कि ये आगरा एक प्लेस का नाम है और यह किसी मोनूमेंट का नाम है, किसी स्मारक का नाम है, नाम है इसलिए वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है वीडियोकॉन इज ए गुड कंपनी, किसी कंपनी का नाम क्या है, वीडियोकॉन, अर्थात ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है आपका द गीता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, ये जो गीता है वो किसी क्या है, ग्रंथ का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द भी लगा, आर्टिकल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। राधा इज ए क्लेवर गर्ल, किसी यह व्यक्ति का नाम है। अमित इज टॉलर देन सुमित, यहाँ पे सुमित भी और अमित भी किसी व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए ये दोनों भी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा मित्र है, अर्थात ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो प्रयागराज एक प्लेस का नाम है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था उसको हमको आगे और बताना है कि इनको पहचानेंगे कैसे, तो देखना है कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं भले ही इसमें एस अथवा एस जुड़ा हो। ध्यान देने की बात यह है फ्रेंड्स, कभी कभी आप किसी बुक में पढ़े होंगे तो एक चैप्टर का नाम सुने होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपके एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका वर्बल नाउन होता है जो आगे हम पढ़ाएंगे, ये सदैव सिंगुलर होता है, यह सदैव सिंगुलर होता है, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसी प्रकार नाउन भी सिंगुलर होता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो समझना ये है फ्रेंड्स, सिंगुलर की केस में वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल की केस में वर्ब प्लूरल आएगा, यही बात यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉपर नाउन को पहचानने का जो ट्रिक है वो ये है, ये सदैव सिंगुलर होते हैं भले ही इसमें एस अथवा ई एस जुड़ा हो। इससे एक सेंस मिल गया कि जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता ही होता है प्रॉपर नाउन, तो हमारा वर्ब भी सदैव सिंगुलर होगा, और अंग्रेजी की क्रियाएं यानी कि वर्ब्स सदैव प्लूरल फॉर्म में होती है, इसमें हम एस या ई एस या कभी कभी आई ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। ध्यान देना फ्रेंड्स, नाउन में जब हम एस या ई एस आई ई एस लगाते हैं तो उसको प्लूरल बनाते हैं, बट वर्ब में जब हम एस या ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, याद रखना, क्योंकि इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है, वर्ब है, क्रियाएं हैं, वो सदैव प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो ध्यान देने की बात है, और इसका प्रत्येक जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझना होगा, उसका पहला अक्षर सदैव क्या होगा, ये कैपिटल लेटर में होगा। आइए आपके पास दो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है, समझते हैं कि इसमें क्या होगा। जरा देखिए, लिखा है हार्ड टाइम्स, आगे डॉटेड है यानी कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बन गया, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है, क्या हार्ड टाइम्स, कठिन परिस्थिति क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है। अब चेक करना है कि जो आपका वर्ब आया है वो इच आया है, एम आया, आर आया, डू आया, तो इसमें से सही कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, तो पहले तो ये चेक करना है कि जो वर्ब आया है वो किसी सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरल बेसिक रूल होता है
वो होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आए, अदरवाइज मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और एटसेट्रा। ये बेसिक रूल होता है किसी भी सेंटेंस का, ये आपको पता होगा। टेंस के दौरान मैं इसको कंप्लीटली एक एक करके पढ़ाऊंगा। देखिएगा हार्ड टाइम्स, अब यहाँ पे देखना ये है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो इज हो सकता है, उसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि एम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आई प्रोनाउन के लिए होता है। आर कभी भी होगा इसकी प्लूरल की होने की केस में, और डू भी जब आता है तो प्लूरल की केस में आता है, क्योंकि डू आपका क्या है, प्लूरल है। इस समय बचा एक ही, वो क्या है आपका, इज है, यानी ए वाला करेक्ट आंसर है। हार्ड टाइम्स में पहचानेंगे कैसे सिंगुलर है, क्योंकि एच आपका कैपिटल है और टी कैपिटल है, भले से एस या ईएस जुड़ा हो, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, भले से उसमें एस या ईएस जुड़ा हो फ्रेंड्स, वो सदैव सिंगुलर होगा। और प्रत्येक शब्द का ये हो सकता, अभी तो दो ही शब्द है ना, हो सकता है तीन चार पांच हो, उसकी सभी शब्द के पहला जो अक्षर होगा वो सदैव कैपिटल लेटर होगा, यही उसकी पहचान है सिंगुलर होने का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हार्ड टाइम्स माई फेवरेट, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा बदल दिया गया है, वो चेक ये करना है कि हार्ड टाइम्स में एच तो कैपिटल में है, बट जो टी है वो कैपिटल लेटर में ना होके स्मॉल लेटर में। इससे पता चल गया कि एस या ई एस लगा है तो ये सदैव प्लूरल हो जाएगा, न कि सिंगुलर, ये आपका क्या है, प्लूरल। प्लूरल की केस में हम डच का प्रयोग नहीं कर सकते, इज का प्रयोग नहीं कर सकते, और आई होता तो एम होता, इसलिए ये भी प्रयोग नहीं कर सकते। तीन कैंसिल हो गए तो बचा आपका कौन, केवल बी, और हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो हार्ड टाइम्स और माय फेवरेट, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगी, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं कॉमन नाउन। ये अभी तक क्या था, प्रॉपर नाउन का क्लास था, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन को समझना बहुत आसान है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, या ऐसे हम कहें कि बहुत ही रेयर केस में आते हैं क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आते हैं। इसके बाद आएगा कलेक्टिव, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सभी से ज़्यादा। तो कॉमन नाउन, यानी इसको हम जातिवाचक भी बोल सकते हैं, अ कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को रिफर करता है और जनरल कॉमन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति, ये वर्ग अथवा जाति ये इंपॉर्टेंट है, कि व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, इससे जो भाव उत्पन्न होगा उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे लिखा है क्या, मैन, हाउस, सिटी, रिवर। इसको समझने के लिए छोटा सा मैं आपको टेबल दिखाना चाहता हूँ, उस टेबल को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। जरा देखिएगा ये छोटा सा टेबल, देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कंपेयर करने वाला हूँ कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन। जब जब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कॉमन और प्रॉपर दोनों का जो कंपेरिजन होगा, सिमिलरिटी होगा, और जो उसमें डिफरेंस होगा, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगा। देखिएगा, एक मैंने शब्द लिया किंग, किंग मतलब होता है राजा, ये सभी को पता है। तो जरा बताइए राजा कौन कौन हो सकता है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है राजा अकबर, किंग अकबर, राजा दशरथ, राजा विक्रमादित्य, या राजा और भी। तो कहने का मतलब ये, जो किंग नाम का वर्ड है यह एक कॉमन है, और ये सारे क्या हैं, ये प्रॉपर हैं। हम अगर इसका विन डायग्राम बनाना चाहें फ्रेंड्स, तो ऐसे बना सकते हैं, सपोज करो कि ये इसका नाम है आपका किंग, इसका नाम है किंग। अब इसके अंतर्गत कई प्रॉपर नाउन आ सकते हैं, ये क्या है आपका, अकबर हो गया, विक्रमादित्य हो गया, या ऐसे बहुत से यहाँ पे नाउन हम लिख सकते हैं जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। कई प्रॉपर नाउन मिलकर एक क्या बनता है, एक कॉमन नाउन बनता है। इसी प्रकार से आगे भी है, जैसे बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का, सभी को पता है। अब अगर मैं इसी को बॉय मान लूँ, अब ये बॉय, तो इसमें क्या हो सकता है, अमित, सुमित, अजय, राम, श्याम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ध्यान देना है बॉय के अंतर्गत लड़कों का नाम आएगा, न कि गर्ल्स का। नेक्स्ट है आपका गर्ल, ये भी आपके कॉमन नाउन, सीता, गीता, राधा, सुधा, इस प्रकार से। और सिटी, आगरा, दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, या कुछ भी हो सकता है। तो सिटी भी अपने आप में क्या है, एक कॉमन नाउन, गर्ल्स कॉमन नाउन, बॉय किंग, और इसी प्रकार से आपका ये जो कंट्री है, कंट्री भी एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि कंट्री के अंतर्गत जो प्रॉपर नाउन है वो कई है, इंडिया, चाइना, नेपाल, जापान, भूटान, बांग्लादेश, यूएसए, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब था, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। आई होप कि ये कॉमन नाउन का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कॉमन नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि अगला क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है ये कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स। कलेक्टिव नाउन पूरे पांचों नाउन से, यानी कि जो हमने बताया था पीसी कैम, ये जो पीसी कैम है फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन तो आता ही आता है, कॉमन कम आता है, और ये कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, बार बार आता है। अगर नाउन से कोई क्वेश्चन आएगा तो कलेक्टिव नाउन से जरूर एक क्वेश्चन आने वाला होगा। देखिएगा कैसे, कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी किसी, पीपल मतलब लोगों का, या थिंग्स मतलब वस्तुओं की, एक ग्रुप की बात कर रहा है।
ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है फिर फ्रेंड्स, ग्रुप यही को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, नाउन के कलेक्शन। जिन नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा फैमिली, ऑडियंस, गवर्नमेंट, टीम, आर्मी, जूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, क्लास, कमेटी एट्सेट्रा। फ्रेंड्स ऐसे समझना है, इन सभी नाम को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं, मैं उसी को आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट समझना इसकी पूरी भाव को, इसकी पूरी मीनिंग को। किसी भी मान लेते हैं कि कई नाउन से हमारे पास, एक नाउन ये है 3, 2, 1, इसको मैं एक कलेक्शन बना दिया, एक जगह पे ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया, तो इससे जो बनने वाला नाउन होगा वही आपका कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। फ्रेंड्स देखिएगा, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनाइटेड सेंस में हो, देखिए अब यह एग्जाम पॉइंट, कलेक्टिव नाउन को तो हमने बता दिया कि किसी भी नाउन के समूह को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, बात तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनाइटेड सेंस में हो, यूनाइटेड सेंस का मतलब होता है संयुक्त अधिकार में हो, संयुक्त अर्थ में हो, संयुक्त परिवार में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और यदि वह डिवाइड होकर अलग अलग हो जाए, डिवाइडेड सेंस में हो जाए, तो उसे हम प्लूरल मानते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो हमारा इसका मीनिंग निकला वो ये निकला कि हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी बोल सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग कैसा है। यानी कि अगर यहाँ किसी हम कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लिख दे तो इसमें हम एस या ई एस लगा के हम प्लूरल बनाने का दुष्प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मीनिंग कैसा आएगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है मीनिंग कैसा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, द फैमिली आगे डॉटेड है डिसाइडेड टू लीव। अब यहाँ पर मतलब ये है कि फैमिली एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। चूँकि बेसिक रूल आपको पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो हेल्पिंग वर्ब और या तो मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एट्सेट्रा, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो ये पता चल गया द फैमिली, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं हैज, इज, हैव, आर, ये चार दिए हैं ऑप्शन में, तो इसमें से कौन आएगा। उसके बाद आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है, ये भी आपको बचपन में पता होगा, अदरवाइज मैं टेंस में पढ़ा दूंगा कंप्लीटली। तो देखिएगा, तो फैमिली सिंगुलर है कि प्लूरल ये हमको आगे पता चलेगा जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब डिसाइडेड आ गया, डिसाइडेड आ गया यानी कि इसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब आए और ये पैसिव वॉइस में हो, चाहे इज हो, एम हो, आर, वाज, वर, बी, बीन, कुछ भी आए और ये थर्ड फॉर्म में हो तो इसको हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। और यदि यहाँ पे हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो तो इस केस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म की केस में हम यहाँ पे चेक करेंगे इसमें सही कौन है, तो हैज भी सही है, इज भी सही है, हैव भी सही है, आर भी सही है, क्योंकि इज इसलिए सही होगा कि फैमिली सिंगुलर कहलाएगा, आर इसलिए सही होगा कि फैमिली प्लूरल कहलाएगा, लेकिन कैसे हम डिफाइन करेंगे, और हैज और हैव भी हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यही है कि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब चेक कर रहे हैं आगे, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय ले लिया है, डिसीजन ले लिया है, ठीक है, किस चीज़ का, टू लीव, छोड़ देने का, क्या छोड़ देने का, हाउस। अब हाउस क्या एक नाउन है, हाउस एक क्या नाउन, इसके पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हाउस एक नाउन है तो यहाँ निश्चित रूप से एक एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, मैं एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी समझ लीजिए कि ये जो इट्स है, देयर है, देयर, इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे इसको कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा, अब ये डिपेंड करेगा कि नाउन कैसे, नाउन यहाँ पे जो हाउस है वो सिंगुलर है, इट्स होगा कि इट्स होगा कि देयर होगा, यही चीज़ हमको यहाँ पर समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो हम ऐसे कहें द फैमिली डिसाइड, घर छोड़ने का निर्णय ले लिया, अभी घर छूटा नहीं, यानी अगर बात करें तो ये अभी भी यूनाइटेड सेंस में ही है। फैमिली ने डिसाइड ले लिया, क्या कर लिया, लीव करने का, क्या लीव करने का, अपना घर, यानी कि परिवार ने अपना घर छोड़ने का निर्णय ले लिया है, लेकिन अभी छोड़ा नहीं, इसका मतलब है कि वह अभी यूनाइटेड सेंस में है, और यूनाइटेड सेंस में तो उसे हम सदैव क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे ही पता चला कि फैमिली सिंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हैव वाला कैंसिल हो गया, आर वाला कैंसिल हो गया, बचे दो ऑप्शन ए और बी, हैज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चेक करना है कि इसमें दोनों में इट्स आ गया, देखना यह है फ्रेंड्स, द फैमिली, अब यहां पर इज मानेंगे इट डिसाइडेड, परिवार को क्या किया गया, अगर इज मान के हम लोग चलते हैं
अगर हम इज मान के चलेंगे फ्रेंड्स, तो समझना ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया इसका मतलब पैसिव है। तो परिवार क्या, किसी दूसरे, पैसिव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया जाए, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं। तो फैमिली जब अलग होंगे तो खुद होंगे अलग, अर्थात ये पैसिव है ना होंगे फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। हैज के साथ हम जाएंगे, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज कहता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। ये मैं अभी प्रूव किया, द फैमिली हैज डिसाइडेड, परिवार ने क्या किया है, निर्णय ले लिया है, क्या करने का, लीव, छोड़ देने का, क्या छोड़ देंगे, अपना घर। यानी कि अगर वो फैमिली सिंगुलर है तो अपना, अपनी, मेरा, मेरे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन से हमको कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स मिले हैं देखने के लिए, आगे और भी इसको समझना है फ्रेंड्स। समझना ऐसे है, दूसरा क्वेश्चन, द फैमिली एक्सप्रेस्ड, प्रयोग कर, क्या कर दिया, व्यक्त कर लिया है, क्या, व्यूज, विचार व्यक्त कर लिया आफ्टर लीविंग द हाउस। जरा आप यहाँ पे समझना फ्रेंड्स, आफ्टर लीविंग द हाउस का मतलब होता है घर छोड़ने के बाद अपना विचार व्यक्त कर लिया है। घर जैसे ही छोड़ा, इसका मतलब वो फैमिली अब यूनाइटेड सेंस में ना होकर डिवाइडेड सेंस में हो गई। जैसे डिवाइडेड सेंस में हो गई तो ये फैमिली हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया। प्लूरल फॉर्म में आने के केस में फ्रेंड्स, हम ऐसे समझे कि सिंगुलर वाला पहले हम हटा ही दें। हैज क्या है, सिंगुलर है, हटा दें। डज आपका सिंगुलर है, हटा देंगे। बचेगा क्या, बी और डी, हैव और हैव, दोनों भी ऑप्शन सेम है। अब आगे चेक करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, देयर होगा कि इट्स होगा, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो द फैमिली हैव एक्सप्रेस्ड, फैमिली ने क्या किया है, एक्सप्रेस्ड कर लिया, क्या, अपना विचार। ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब अपना विचार देयर ही होगा, हैव के साथ इट्स गलत होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, द कमेटी, कमेटी भी आपका क्या है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल, आगे देखते हैं। टू मी द कमेटी, आगे वर्ब है क्या, मीट, हैव मेट, मीटिंग, मीट्स। टू मी एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह मुझसे मिलता है, कौन, कमेटी। कमेटी कोई प्लूरल है नहीं, कमेटी को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल एस या ईएस लगा के भी बनाते हैं, तो देखने से पता चल रहा है कि क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मीट का प्रयोग करेंगे और एस लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में। तो हमारा जो सही होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो हमारा सही होगा आपका डी वाला, द कमेटी मीट्स टू मी एवरी वीक, यानी कि प्रत्येक सप्ताह जो कमेटी है वो हमसे या मुझसे मिलता है। नेक्स्ट है थोड़ा फ्रेंड्स देख लेते हैं, और ये दो क्वेश्चन आओ, द टीम, अब टीम क्या है फ्रेंड्स, टीम भी आपका एक कलेक्टिव नाउन है, डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ क्या, कैप्टनशिप, मतभेद के ऊपर क्या किया है, मुद्दे को उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है टीम को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझना ये है, डिवाइडेड आया कि निश्चित रूप से ये एम तो होगा नहीं, क्योंकि आई नहीं है, आर नहीं होगा, अच्छा आर हो सकता है, ईज हो सकता है, हैज हो सकता है, चेक करना है कि टीम सिंगुलर है कि प्लूरल। द टीम डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि मतभेद के ऊपर क्या किया, टीम ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड जब हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, इज भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और ये जो टीम है वो खुद अलग होगा, ना किसी के द्वारा अलग होगा, इसका मतलब कि वो पैसिव ना होकर एक्टिव में ही रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द ऑडियंस टेकन, ऑडियंस यहाँ पे कोई वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो निश्चित रूप से हैज हैव हैड होगा, हैज हैव दोनों दिया, चारों दिया। आगे टेकन यानी ग्रहण कर लिया, क्या, अपना सीट ग्रहण कर लिया। ऑडियंस मतलब होता है दर्शक, ऐसे बोले कि दर्शकों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो अब वो प्लूरल फॉर्म में हो गया, क्योंकि सीट से एक सीट तो ग्रहण करेगा नहीं, सिंगुलर होगा तो एक ही करेगा, है ना, तो ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सीट को ग्रहण किए, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो हैज वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, बचा है कौन सा, हैव देयर और हैव इट्स। तो जब देयर हैव यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में हो गया तो देयर का प्रयोग हम करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे नहीं, इससे क्या पता चला, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये क्या था आपका, बेसिक था कलेक्टिव नाउन का। फ्रेंड्स इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो अगला टेबल मैं पढ़ा के बताने वाला हूं, इसके बाद भी कई टेबल है, वहां से आपके हजारों तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहां से फ्रेंड्स आता है, इसको मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। ये जो आपका है ना, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी भी समूह को सपोज करो कि ये क्या है, एक समूह, ये क्या है आपका, दूसरा समूह। तो फ्रेंड्स ये जो समूह मिलकर जो बनते हैं उसकी बात मैं अब करने वाला हूँ कलेक्टिव नाउन में। अभी तक जो था वो बहुत बेसिक था, अब आएंगे एग्जाम पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।